और लखनऊ की बात करेंगे जहां पर भारतीय किसान यूनियन ने लखनऊ के इको गार्डन पार्क में महापंचायत कर सरकार को घेरा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के नेतृत्व में हजारों किसान महापंचायत के लिए एकत्रित हुए। किसान नेताओं ने केंद्र और यूपी सरकार से किसानों के लिए किए गए वादे को पूरा करने को कहा है। इसके साथ ही यूपी में सीएम योगी ने किसानों को बिजली माफ करने की घोषणा की थी, जो अभी तक पूरी नहीं की है। राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि हम आंदोलन करने को तैयार हैं, महापंचायत के बाद आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। सिंह यादव नाम है, प्रदेश प्रमुख महासचिव भारतीय किसान टिकैत का। आज सरकार की वादा खिलाफी को लेकर सरकार ने जो हमसे वादे किए थे अपने चुनावी संकल्प पत्र में और विधानसभा के अंदर, अभी सरकार ने विधानसभा में बजट सत्र के दौरान ये कहा था कि 1 अप्रैल 2023 से किसानों के निजी नलकूपों को बिजली फ्री दी जाएगी, लेकिन फ्री ना देकर नलकूपों का मीटर लगाए जा रहे हैं, उन पे बिल आ रहे हैं और मीटर लगा के बिल आ रहे हैं 4 गुना उनकी। दूसरा, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था आवारा गोवंश से निजात दिलाने के लिए, लेकिन आवारा गोवंश ने किसानों का जीना हराम कर दिया है। तमाम किसानों को सांड मार रहे हैं, सड़क पर रोड पर एक्सीडेंट हो रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं। तो इनकी करनी कदनी में अंतर है। गन्ने का भुगतान हजारों करोड़ किसानों का है, सरकार ने गन्ने का रेट 5 रुपए के हिसाब से